भवानी देवी ने रचा इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी, ब्रॉन्ज मेडल जीता। भवानी देवी ने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन मिसिकी इमोरा को हराया, 15-10 से शिकस्त दी। भवानी को सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की जुनैब से मिली हार, 15-14 की बहुत ही करीबी हार। भवानी देवी ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा कि पोडियम पर खड़े होना बहुत ही भावनात्मक, ये मेरे और देश के लिए गर्व का पल। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बर्मिंघम टेस्ट मैच के आखिरी दिन, इंग्लैंड को जीत के लिए 7 विकेट, तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और लेबुशन आउट। उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलेंट 13 रन बनाकर नाबाद। इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट झटके, ओली रॉबिन्सन को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 273 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला है 281 रन का टारगेट। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जो रूट और हैरी ब्रुक ने 46-46 रन की पारी खेली, कैप्टन बेन स्टोक्स ने 43 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में पैट किमिंस और नैथन लियोन ने 4-4 विकेट झटके, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलेंड को 1-1। विश्व कप क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने यूएई को 175 रन से हराया, हसरंगा ने 6 विकेट लिए। टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने नॉटिंघम ओपन खिताब जीता, फ्रांस के आर्थर कजाकस को हराया। कैनेडा पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने जीता मेडल, मेन सिंगल में सिल्वर और डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल। नाइनटर्स इंटरनेशनल चैलेंज में अश्विनी तनिषा ने विमेंस डबल्स खिताब जीता, चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। तजिंदर पाल ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, 21.77 मीटर दूर गोला फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय फुटबॉल टीम ने दिखाई दरिया दिली, बालासोर ट्रेन हादसे में प्रभावित परिवारों को 20 लाख रुपए देने की बात की। स्पेन ने पहली बार जीता यूएफा नेशंस लीग खिताब, पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा महिला विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया, 23 खिलाड़ी शामिल। हॉकी प्रो लीग में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया, ब्रिटेन ने जर्मनी को 3-0 से शिकस्त दी।